टेक्नो टीवी। तो दोस्तों हमारी अगली टेबल है हॉट एंड कोल्ड एसी के ऊपर। देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ ऐसे शहर होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है और कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। जैसे कि हमारे राजस्थान में जयपुर है, यहाँ पर सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हो सकता है आपके शहर में या तो गर्मी ज़्यादा पड़ती हो या फिर सर्दी ज़्यादा पड़ती हो या फिर दोनों भी आपके यहाँ मौसम बिल्कुल एक जैसा रहता हो। लेकिन कुछ इंडिया में कुछ जगहें ऐसी भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, तो जिन्हें ठंड के अंदर हीटर की ज़रूरत पड़ती है और गर्मी के अंदर एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन के अंदर हमें हॉट एंड कोल्ड एसी लेने का एक ऑप्शन हमेशा रहता है, लेकिन उसके कुछ अपने फायदे हैं और नुकसान भी हैं। तो आइए हम ये देखते हैं कि हॉट एंड कोल्ड एसी और रेगुलर हीटर में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये हम इस वाली टेबल में क्लियर करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो एनर्जी एफिशिएंसी वाला पॉइंट आता है। तो देखिए दोस्तों जो रूम हीटर होते हैं उनकी एनर्जी एफिशिएंसी सबकी अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा बिजली खाता है, कोई कम बिजली खाता है। तो हीटर की आप एनर्जी एफिशिएंसी का कोई मापदंड भी नहीं होता है कि वो कोई स्टार रेटिंग दी होती है। वहीं दूसरी तरफ हॉट एंड कोल्ड एसी के अंदर एक स्टार रेटिंग दी होती है, तो आप उससे एक अपना डिसीजन बना सकते हैं कि अगर आप 1 स्टार लेंगे या 5 स्टार लेंगे तो आपका इतना बिजली का बिल रहेगा। तो ये पॉइंट हमेशा हॉट एंड कोल्ड एसी के पक्ष में जाता है, रूम हीटर तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम हॉट एंड कोल्ड एसी नहीं लेते हैं तो हमें एक अलग से हीटर लेना होगा, तो ये हमारा हॉट एंड कोल्ड एसी दो का काम एक ही में हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हीटर भी लेंगे और हॉट एंड कोल्ड एसी भी लेंगे तो हीटर का ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बिजली का बिल आता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन उसमें होता है, तो ये आपका अलग से खर्चा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आपका हॉट एंड कोल्ड अगर इन्वर्टर एसी है तो आपका इतना बिजली नहीं उसमें लगता है, नॉर्मल ही इसमें बिजली का बिल लगता है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है एयर फिल्टर। हम सब जानते ही हैं कि जो हीटर जो सर्दियों में जो हम चलाते हैं रूम को गर्म रखने के लिए जो हीटर चलाते हैं उसमें कोई एयर फिल्टर नहीं होता, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप हॉट एंड कोल्ड एसी लेंगे तो उसमें बिल्कुल एयर फिल्टर लगे होते हैं, आपके पास जो भी हवा आएगी बिल्कुल प्योरीफाई होकर आएगी, बिल्कुल क्लीन एयर आपको मिलेगी। अगर आप घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो उनकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे दिल्ली जैसे शहर में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मुंबई जैसे शहर में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, तो उन शहरों के लिए अगर आप हीटर लगाएंगे तो और भी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो ऐसे में हॉट एंड कोल्ड एसी एक बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का मतलब है दोस्तों अगर आप एक हीटर लगाते हैं अपने रूम में तो आप उसको बहुत महंगे मॉडल्स में ये सुविधा दी होती है कि आप रूम का टेम्परेचर देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा गर्म हुआ है रूम, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल जो लोकल हीटर आते हैं उसमें आप रूम का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें कोई थर्मोस्टेट नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हॉट एंड कोल्ड एसी के अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है कि एक लिमिट तक जाकर आपका रूम का टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मीन्स अगर आपका रूम का इसको 30 पे अगर आप सेट कर देते हैं तो आपका रूम का टेम्परेचर 30 से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिक वहाँ से कट ऑफ हो जाएगा, 30 के प्लस जाते ही या 30 या 25 जो भी आप उसमें थर्मोस्टेट में सेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हीटर के अंदर ये सुविधा नहीं होती है, अगर आपने उसे एक बार ऑन कर दिया और आप सो गए तो सुबह तक आपका रूम बिल्कुल आग की तरह एक आग का गोला बन जाता है आपका कमरा। और अगर आपको ये सुविधा चाहिए तो आपके लिए फिर आप अगर आपको थर्मोस्टेट की सुविधा हीटर में चाहिए तो आपको बहुत महंगा प्रीमियम मॉडल परचेस करना होता है, तो इतने में तो आपका हॉट एंड कोल्ड एसी आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपके एसी के पक्ष में रहेगा हमेशा। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है ईज ऑफ यूज़, मतलब कौन सा इस्तेमाल करने में ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों हम एसी तो हम पूरा साल यूज़ कर सकते हैं, तो हमें एसी पता है हम किस तरह से एसी यूज़ करते हैं, उसके साथ रिमोट दिया होता है और आप जैसे चाहें उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है एसी को इस्तेमाल करना। वहीं दूसरी तरफ हीटर को इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है, अगर आपका ऑफ सीजन हो गया है तो आपको इसको रखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है इसको स्टोर करने के लिए, तो ये आपकी एक्स्ट्रा जगह लग जाती है। वहीं अगर आप एसी लगाते हैं हॉट एंड कोल्ड वाला तो आपको एक ही जगह में आपका सर्दी का और गर्मियों का दोनों का काम हो जाता है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको हॉट एंड कोल्ड एसी की तरफ ही लेके जाती है। तो देखिए दोस्तों हमारा ये वाला पॉइंट भी हमने क्लियर कर दिया है कि हॉट एंड कोल्ड एसी हमारे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर आपके शहर में भी ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड पड़ती है तो बिल्कुल आप हॉट एंड कोल्ड एसी लगा सकते हैं, और अगर आपके शहर में सिर्फ गर्मी ज़्यादा पड़ती है ठंड इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है तो आप हॉट एंड कोल्ड एसी वाला ऑप्शन छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप ठंड के अंदर हीटर यूज़ करते हैं तो बिल्कुल आप हॉट एंड कोल्ड एसी की तरफ जा सकते हैं। नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। टेक्नो टीवी।